प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। फिल्म 4 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी हाउसफुल चल रही है। हर कोई प्रभास का एक्शन अवतार देखने को बेताब है। 350 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म कैसी होगी, इस बात का इंतजार ऑडियंस को बेसब्री से है। खुद प्रभास भी फिल्म के लिए ऑडियंस के रिएक्शन को लेकर थोड़ा सहमे हुए हैं। वहीं विदेशों से फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गया है। साहो को दुबई में भारत से एक दिन पहले रिलीज किया गया। स्क्रीनिंग के बाद दुबई से साहो का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गया है। फिल्म के रिव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। इसे मास एंटरटेनिंग मूवी बताया जा रहा है, तो वहीं इस फिल्म को कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी मिल रहे हैं। दुबई के एक जर्नलिस्ट उमेश संधू ने ट्वीट कर साहो का फिल्म रिव्यू दिया। उन्होंने लिखा, पहला रिव्यू, प्रभास और श्रद्धा कपूर की शानदार केमिस्ट्री। एक्शन फिल्म की USP है। प्रभास के स्टंट्स को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। डायलॉग शानदार है। मास को एंटरटेन करने के लिए 4 स्टार। वहीं एक इंडियन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रभास की साहो को नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं। एनालिस्ट ने प्रभास की हिंदी डबिंग, श्रद्धा कपूर की परफॉर्मेंस और मूवी की लंबाई की आलोचना की है। फिल्म क्रिटिक का कहना है कि साहो का रन टाइम ज्यादा है, मूवी में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, कहानी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिल्म के स्क्रीन प्ले और विलेन की शिकायत करते हुए क्रिटिक ने साहो को बोरिंग तक बता दिया। ये भी कहा कि फिल्म को सिर्फ प्रभास और हैवी एक्शन सीन्स के लिए देखा जा सकता है, इसके अलावा फिल्म में कुछ भी खास देखने को नहीं है। देखा जाए तो अब तक प्रभास की फिल्म को विदेश में मिले जुले रिव्यूज मिले हैं। वैसे ट्रेड एनालिस्ट की माने तो फिल्म पहले दिन भारत में 70 करोड़ की कमाई कर सकती है। फिल्म को 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज जो किया जा रहा है। वहीं प्रभास की साहो पहली तेलुगु मूवी है जिसे ट्विटर इमोजी मिला है। साहो का फीवर ट्विटर पर साफ देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर सिर्फ साहो साहो ही छाया हुआ है। अगर फिल्म सच में पहले दिन 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेती है तो साहो इस साल रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह, एवेंजर्स एंड गेम सहित कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं ये ट्रेड एनालिस्ट की माने तो फिल्म हिंदी में ही पहले दिन 25 से 30 करोड़ की कमाई कर सकती है। फिल्म साहो अगर पहले दिन धमाकेदार कमाई करने में कामयाब रहती है तो ये फिल्म प्रभास की पिछली फिल्म बाहुबली के भी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। प्रभास की पिछली फिल्म बाहुबली 2 को 250 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ की कमाई की थी, जिस वजह से प्रभास की पिछली फिल्म को देखते हुए साहो से फैंस की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस फिल्म से प्रभास बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे में ये अब तक का सबसे महंगा बॉलीवुड डेब्यू भी माना जा रहा है। साहो में प्रभास पुलिस ऑफिसर अशोक के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, वहीं श्रद्धा कपूर क्राइम ब्रांच की ऑफिसर बनी है। फिल्म में सब लोग 2000 करोड़ की रोबरी के पीछे हैं। साहो में प्रभास, श्रद्धा कपूर के अलावा नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, मंदिरा बेदी और महेश मांजरेकर जैसे एक्टर भी अहम रोल में हैं। फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है। अब फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करती है, इसके लिए तो 30 अगस्त तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि प्रभास की ये फिल्म ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं। HS News के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS News, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।